सभी को नमस्कार। मैं हरिराम और मेरा सामान्य परिचय है कि मैं राजस्थान के अलवर जिले के कठुमर तहसील के पावटा गांव का रहने वाला हूँ। और अभी हम आज हम जन सरोकार मंच टोंक के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में आज का जो विषय है कि राग दरबारी के हिंदी अनुवाद का विश्लेषण। मेरा सामान्य परिचय मैं बता देता हूँ। मैं हरिराम और गांव पावटा तहसील कठुमर जिला अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ और फिलहाल दिल्ली में हूँ। और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अंतर्गत राजकीय बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से BA MA मैंने किया है। और उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU से भी मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और फिलहाल में मैं दिल्ली में हूँ। अभी तक मेरा एक काव्य संग्रह गाड़ियाँ लोहार प्रकाशित हुआ है। उसके अलावा एक राग दरबारी के ऊपर एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। और इसके अतिरिक्त दलित साहित्य में हिंदी दलित आत्मकथाओं का समीक्षात्मक अध्ययन एक पुस्तक है। और चिंतन की परंपरा और आदिवासी साहित्य तो एक पुस्तक और है। इसके अलावा भी मैंने और भी एक किताब और भी लिखी है, चिंतन की अभिव्यक्ति करके दलित साहित्य में। और इस तरह से अभी 4-5 पुस्तकों पर मेरा काम चल रहा है। खैर बहरहाल, अभी जो हम आज के विषय में चर्चा करेंगे राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है और ये एक राजनीति पर उपन्यास माना जाता है। राग दरबारी में जो कहानी श्रीलाल शुक्ल ने रची है वो एक गांव की कथा की तरह है और बहुत ही रोचक उपन्यास है। लेकिन उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, कविताएं हो, उनका एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है कि अनुवाद के माध्यम से हम दूसरे क्षेत्र की संस्कृति, भाषा और वहाँ के साहित्य को कैसे समझ सकते हैं। राग दरबारी एक अपने आप में चुनौती है कि जिस तरह से लेखक ने लिखा है उसको, उसी तरह से उसका जो अनुवाद किया है, अनुवाद राजस्थानी में अनुवाद हुआ है राग दरबारी का, और उनका नाम है शांति भारद्वाज राकेश। शांति भारद्वाज राकेश राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और जलवाड़ा कोई जगह है 12 जिले में। और उन्होंने इसका अनुवाद राजस्थानी में किया है। और इसके अलावा राजस्थानी में जो अनुवाद इसका हुआ है वो उसमें अब हमको ये देखना है कि किसी भी पुस्तक का जब अनुवाद होता है तो दोनों संस्कृतियों का मेल मिलाप भी उसी तरह से होना चाहिए जैसे किया जाता है। अब राग दरबारी में जो कहानी बनाई गई है, और राग दरबारी दरअसल जो लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, उनके स्थान के आसपास के हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और राग दरबारी में जो कहानी उन्होंने रची है राजनीति को लेकर के, और वैसी कहानियाँ आजकल सब जगह देखने को मिलती हैं। सब जगह से मीन्स है कि उस तरह की राजनीति हम देख सकते हैं हमारे आसपास के परिवेश में भी। अब राग दरबारी में जो बैद जी हैं, बैद जी के आसपास ही पूरी पूरा कथानक या पूरी कहानी उनके आसपास ही घूमती है।
और उसमें बहुत सारे जो अंतर कथाएं चलती हैं, अंतर कथाओं में भी वो उसमें मुख्य भूमिका में होते हैं। और जितने भी वित्त से जुड़ी चीजें हैं वो अपने अंतर्गत ले आते हैं, चाहे वो चुनाव हो या फिर राजनीति हो या फिर पढ़ाई लिखाई हो या फिर वो अपने वैद्य जी का जो काम करते हैं, और या फिर अपने यानी समाज में एक ऐसा व्यक्ति जो सब जगह अपनी पकड़ मजबूत बना करके रखता है। अब इसका अनुवाद जो शांति भारद्वाज राकेश ने किया है, राकेश जी ने बहुत ही चीज़ों को ध्यान में रख कर के ये काम किया है। दरअसल कई लोग ये मानते हैं कि हिंदी और राजस्थानी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी और राजस्थानी में काफ़ी अंतर है। काफ़ी अंतर इसलिए है कि ये जरूरी नहीं है कि जितने हिंदी भाषी लोग हैं सारे राजस्थानी को समझते हैं। और हाँ, ये हो सकता है कि जो ग्रामीण परिवेश में है राजस्थान के, वो शायद हिंदी की बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते। एक जो पढ़ा लिखा तबका, चाहे हम कहें राजस्थान का हो, तो वो राजस्थानी भाषा को समझ सकता है, लेकिन जो गैर राजस्थानी है, मीन्स है कि जो हिंदी प्रदेश से हैं और राजस्थान के नहीं हैं, तो वो राजस्थानी को नहीं समझ पाते। और कई बार तो स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि राजस्थानी को समझने वालों में राजस्थान के रहने वाले भी ठीक से नहीं जानते, क्योंकि राजस्थानी अपने आप में कई बोलियों को मिल करके वो बनती है। और इसका एक कारण ये है कि राजस्थान में जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, क्षेत्र के हिसाब से जिन जिन क्षेत्रों से राजस्थान सटा हुआ है, कि वहाँ की जो बोली है साइड वाले क्षेत्र, बगल वाले क्षेत्र की, तो वो उसमें शामिल हो जाती है। अब दिक्कत ये है कि राजस्थानी में भी अपने आप में मारवाड़ी हो गया, और आपके बागड़ी बोली हो गई, या बोले कि मेवाड़ी हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, मेवाती हो गई, हाड़ौती हो गई, तो इस तरह से अलग अलग एरिया के हिसाब से राजस्थानी भाषा बनती है। अब इसमें यह है कि जो मुख्य बोली की बात आती है, तो इसमें मारवाड़ी मुख्य है, क्योंकि राजस्थानी में जो भी डिंगल पिंगल का साहित्य मिलता है, या समझ लीजिए कि प्राचीन जो हम आदिकाल को पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के अंदर, तो वो सब राजस्थानी में जो जहाँ पर मिलता है वो मारवाड़ी क्षेत्र उसको ज़्यादा डोमिनेट करता है। अब मारवाड़ी में क्योंकि जो अनुवादक हैं, अनुवादक ने सभी चीज़ों का ध्यान रखा है कि उन्होंने मारवाड़ी के शब्द भी दिए हैं, उधर में मेवाड़ी के भी दिए हैं, ढूंढाड़ी के भी दिए हैं, हाड़ौती मेवाती के भी दिए हैं, बागड़ी के भी दिए हैं, और अपने शेखावटी जो क्षेत्र है उसके भी शब्द उसने दिए हैं। अब अनुवादक के लिए जरूरी है कि दोनों भाषाओं पर उसकी पकड़ मजबूती से हो, और दोनों भाषाओं को अगर वो समझ रहे हैं तो वो आराम से उसका अनुवाद कर सकते हैं। अब दरअसल जो मेरा एक उद्देश्य था कि मैं अपनी बात को इसलिए पहुंचाना चाहता हूँ कि राजस्थानी को भी उतना ही दर्जा मिले जो बाकी भाषाओं को मिले, क्योंकि राजस्थानी भी अपने आप में एक मजबूत भाषा है और इसका भी प्रसार प्रचार होना चाहिए। और इसमें अलग तरीके का साहित्य जो भी है, देन राजस्थान का जो साहित्य है वो दूसरी भाषाओं में हो करके दूसरे क्षेत्र तक पहुँचे, या फिर जो दूसरी भाषाओं का साहित्य है वो राजस्थानी के माध्यम से राजस्थान तक आए। अब इसमें समस्या ये हो जाती है, कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं कि राजस्थान का है वो हिंदी भी समझता है, राजस्थानी भी समझता है, ये राजस्थानी भाषा तो सबको समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राजस्थान का भी है, लेकिन राजस्थान में अगर वो मान लीजिए कि मैं अलवर का हूँ और मैं अगर मारवाड़ की तरफ जाऊँगा, तो हो सकता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि जो एक स्थानीय भाषा के जो शब्द होते हैं, स्थानीय बोली के जो शब्द होते हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो मेवाती के शब्द हैं, जैसे मेरा नेरे वाले क्षेत्र में है कि मेवाती के शब्द भी उसमें आते हैं, और उधर ब्रज भाषा के भी आते हैं, तो उधर ढूंढाड़ी के शब्द भी उधर मिल जाते हैं, तो इस तरह के जो शब्द मिलेंगे तो जो स्थानीय स्तर पर शब्द होते हैं उनका अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अब लेखक ने जो उपन्यास लिखा उसके बाद में जो अनुवादक ने काम किया, अनुवादक के लिए जरूरी है कि वो दोनों भाषाओं को बराबरी
तौर पर समझे और उसका अनुवाद सटीक भाषा में करे, क्योंकि अनुवाद में अगर उनको दोनों भाषाओं पर उसकी पकड़ नहीं है तो फिर अनुवाद में फीकापन आएगा और वो एक अच्छा अनुवाद नहीं होगा। और ये मेरा शोध का भी विषय पहले रहा है एमफिल के दौरान, कि इसमें इस तरह की चीज़ों को लिया जाए कि राजस्थानी का जो स्थानीय शब्द हैं वो इस तरह के हों कि सारे शब्द इधर से भी मिले और उधर से भी मिले, यानी इसमें सबके सब उसमें देखने को मिल जाए कि राजस्थानी है, राजस्थानी के स्थानीय शब्द हो गए कि उसमें मेवाड़ी के भी आ गए, बागड़ी के भी आ गए, या ढूंढाड़ी के भी आ गए, हाड़ौती के भी हैं, शेखावाटी के भी हैं, तो वो सारे बोलियों के शब्द उसमें दिखाई देने चाहिए, क्योंकि पाठक वर्ग है वो केवल मारवाड़ का नहीं है, वो किसी भी 6-7 बोलियों में से किसी में भी वो पाठक हो सकता है, पाठक उसका है तो वो देखने को मिलेगा। अब इसमें जो हम भाषा की बात करते हैं कि अनुवाद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आंचलिक बोली है, भाषा है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो देखने में मिलती हैं हमारे लिए। तो अब जो मार्मिकता यानी लोक भाषा में है या अपनी जो स्थानीय भाषा में है वो दूसरी भाषा में कृत्रिम तासी लगती है, कि मैं तो कहूँगा कि जो अनुवाद का काम किया जा रहा है वो हिंदी से राजस्थानी या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में ही ना हो करके वो राजस्थानी से तमिल में, बंगाली में, असमिया में, या असमिया से राजस्थानी में, गुजराती में, या फिर तमिल में, इधर मलयालम में, उड़िया में, यानी सारे क्षेत्रों का साहित्य हमको पढ़ने को मिलेगा, तो उसकी एक अलग ही सुगंध होगी, वहाँ की कहानी, लोक कथाएं, लोक संस्कृति, लोक गीत, और इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ने की मिलेंगी कि आपको पूरे देश की चीज़ों को समझ सकते हैं। अब उसको समझने के लिए ये जरूरी है कि सरकारी स्तर पर भी पहल हो और हमारे लोगों में भी इस तरह की जागरूकता पैदा होती रहे कि हम उसको समझें और वो और लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। अब भाषा में क्या होता है कि ऐसे तो भाषा हमारे विचार विनिमय का विषय है, लेकिन जब ये होता है कि किसी चीज़ को हम अचानक पढ़ते हैं तो अचानक पढ़ेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा प्रभावी होती है, कि मान लीजिए कि मैं उदाहरण दूँ कि हम अंग्रेजी 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम उतनी उसको गंभीरता से नहीं लेते और हम उतनी अच्छी पकड़ उसमें बना नहीं पाते जितनी हमारी स्थानीय बोली या हमारी हिंदी भाषा में हमारी पकड़ है जिसमें हम अध्ययन भी करते हैं। तो अब सरकार की भी पॉलिसी, अब सरकार की जो नीतियाँ, नई जो शिक्षा नीति बनी है उसमें भी इस तरह की बात की जा रही है कि स्थानीय भाषा में ही शिक्षा का माध्यम बनना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा में होगा तो बच्चे को ये समझने में आसानी रहेगी और उसको आगे जाकर भी और वो ज़्यादा अन्वेषण कर सकता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे विद्वानों ने भाषा के बारे में बहुत सारे विचार अपने दिए हैं, संस्कृति के बारे में बहुत सारे दिए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम अगर वाक्य विन्यास की बात करें या फिर वाक्य वाक्य हाँ सॉरी वाक्य विन्यास की बात करें, शब्द के स्तर की बात करें, वाक्य के स्तर की करें, या व्याकरण की बात करें, तो हिंदी और राजस्थानी में भी काफी अंतर हमको देखने को मिल जाता है। उसका कारण यह है कि राजस्थानी और हिंदी दोनों ही अपने आप में मजबूत भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी को हम एक बड़े पैमाने पर पढ़ते हैं और राजस्थान को केवल राजस्थान में भी ही पढ़ते हैं, और वो भी एक अनिवार्य विषय नहीं है। तो अनिवार्य विषय सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि राजस्थानी जैसी भाषा को भी कम से कम राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, कि जिससे वहाँ का जनमानस इस भाषा को आसानी से समझ सके। अगर वो आसानी से इस भाषा को समझेगा तो भाषा ज़्यादा प्रमोट होगी और भाषा में गंभीरता आएगी, शब्दों का चयन से लेकर के साहित्य भी नया नया साहित्य निकल करके सामने आएगा। अब दिक्कत ये हो जाती है कि जब उसमें साहित्य नहीं है या फिर उसको वैकल्पिक विषय के तौर पर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें
जो वैकल्पिक विषय होगा और साहित्य में हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ें वैकल्पिक में, तो फिर उस तरह से उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा और रुकी यानी भाषा फिर लुप्त प्राय स्थिति में चली जाएगी, जैसे कि कई भाषाएं पहले जा भी चुकी हैं या फिर जाने के कगार पर हैं। क्योंकि राजस्थानी का अगर साहित्य में इसको और आगे बढ़ाना है और ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, लोक संस्कृति, स्थानीय भाषा को लेकर के जितने भी तमाम तरह की चीजें हैं, वो कम कम धीरे धीरे घटती जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो साहित्य को लेकर के और या फिर भाषा और संस्कृति को लेकर ज्यादा उत्साही नहीं है। तो उसका एक कारण ये भी है कि हम अपनी चीजों को उनके सामने रख ही नहीं रहे। जब हम उन चीजों को रख ही नहीं रहे तो फिर वो चीजें आएंगी कैसे? क्योंकि अगर साहित्य में या हम किसी भी तरह की बात करें कि राजस्थानी की जैसे भाषा है तो हिंदी का एक पार्ट है वैसे तो राजस्थानी, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कई वर्ण ध्वनियां हैं कि जो अपने देवनागरी में नहीं है, जैसे कि देवनागरी में वो प्रचलन में नहीं है, बड़ाऊ की मात्रा हो गई, व की हो गई, ये व्यंजनों का प्रयोग उसमें कम होता है। और राजस्थानी में ज्यादातर क्या होता है कि तालब से जो होता है वो नहीं होता है, उसकी जगह जो दंत से का प्रयोग वो ज्यादातर करते हैं, और गुजराती वाला लय भी प्रयोग करते हैं, वह भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं भाषा विज्ञान को लेकर के। भाषा विज्ञान में बहुत सारे परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं और उसमें भाषा को लेकर भी हिंदी में भी बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन भाषा में दिक्कत ये हो जाती है कि हम उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाते, कि जो चीज आगे बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पाती, और जब वो आगे नहीं बढ़ेगी तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं। और अगर हम शब्द के स्तर पर बात करें, यानी बहुत सारे वर्ण के स्तर पर बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम पहले 10 साल 20 साल पहले जो हमने पढ़े हैं, उस तरह के कई अक्षरों में भी बदलाव आया, हिंदी के अक्षरों में भी बदलाव आया है। अब राजस्थानी के अक्षरों में बदलाव आया नहीं आया, ये एक शोध का विषय बन जाता है, क्योंकि जब उस चीज पर गंभीरता से काम किया ही नहीं जा रहा कि हिंदी को लेकर के गंभीर है तो राजस्थानी को लेकर गंभीर नहीं है। तो अब इसमें दिक्कत यह है कि हम शब्द के स्तर पर बात करें कि जो अनुवादक ने काम किया है, यानी शांति भारद्वाज राकेश ने जो अनुवाद किया है इसका राग दरबारी का, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को छोड़ा है और बहुत सारी चीजों को अपने क्षेत्र के हिसाब से भी रखा है, कि जिससे ऐसा लगता है देखने में कि शायद ये शब्द की जगह ये वाला शब्द आता तो ज्यादा अच्छा था, ये वाला शब्द आता तो और अच्छा था, लेकिन फिर भी उसने अनुवाद उन्होंने अच्छा किया है। और दूसरी बात है कि जब हम राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा दोनों के प्रचार प्रसार की बात करें, तो राजस्थानी तो एक छोटा पार्ट हो गया बजा हिंदी के मुकाबले, लेकिन राजस्थानी में भी वो चीजें पश्चिमी राजस्थान की तरफ राजस्थानी का जो फोकस है वो ज्यादा है, और इधर पूर्वी और इधर दक्षिण की तरफ भी है लेकिन पूर्वी राजस्थान की तरफ कम है। उसका एक और भी कई कारण है कि जहां जहां पर हमारे लोग ज्यादा अपने आप को समझ लीजिए कि विकसित होते हुए देख रहे हैं, कि वो अपने अच्छी स्थिति में आ जाते हैं वित्तीय तौर पर, तो अपना चाल चलन, रहन सहन, खान पान, इनमें भी काफी बदलाव आ जाता है धीरे धीरे, और हम अपनी जो स्थानीय चीज है उनको छोड़ते हुए जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज है। और दूसरा ये है कि जब हाँ शब्द के स्तर पर बात करेंगे कि जब किसी पुस्तक का यानी अनुवाद हम कर रहे हैं किसी भी किताब का, तो अनुवाद में अनुवादक को भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कि वो अपने एक स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में उसका अनुवाद कर रहा है, दूसरा वो इस बात का भी ध्यान दे रहा है कि जिस भाषा में वो अनुवाद कर रहा है कि वहाँ की जो लोक देवता हैं, लोक गीत हैं, लोक कथाएं हैं, लोक नृत्य हैं, और भी कई तरह की जो परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होती है, उन सब का वो ध्यान कैसे रखे।
दूसरी तरफ जहाँ से जिस भाषा से उस चीज़ों को उठा रहा है तो उस भाषा के बारे में उसको पूरा पता होना चाहिए, और जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है कि उन शब्दों में सटीकता का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर शब्द सटीक नहीं होंगे तो उनका फिर देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शब्दों की दिक्कत ये होगी कि अगर हम जहाँ जो शब्द आना चाहिए तो वही आना चाहिए, उसका पर्यायवाची भी लिखेंगे तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। क्योंकि हो सकता है कि आप जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द चलते हैं कि आपने इंग्लिश में एडिशनल लिखा और हिंदी में उसका लिख दिया अतिरिक्त, लेकिन एडिशनल का मतलब तो फालतू भी होता है। अब एडिशनल की जगह अगर हम फालतू लिखेंगे और उधर अतिरिक्त शब्द भी होता है तो शब्द दोनों का मीनिंग उसमें लगभग वैसा आ रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो तो होगी कि वो फालतू हो गया, वो होगा अतिरिक्त आवश्यक। तो इस तरह की कई कई चीजें हैं कि उस तरह से शब्द चयन को लेकर के ये अनुवादक के लिए बड़ा आवश्यक है कि उन चीजों का वो ध्यान रखे। दूसरी बात यह है कि जैसे किताब का अनुवाद जो किया है उसमें उन्होंने कई शब्दों का इस तरह से लिखा है कि उन्होंने किनारा शब्द के लिए काकड़ शब्द का प्रयोग किया है, शांति भारद्वाज राकेश ने। तो काकड़ वही है, किनारा मतलब सरहद होगी, सीमा हो गया, ये तो उसके लिए काकड़ राजस्थानी में उन्होंने प्रयोग किया है। देहात के लिए गांव का शब्द प्रयोग किया है, जो गांव और देहात ग्रामीण परिवेश अपना हो गया। डेने, डेने मतलब पंख होते हैं एक तरह से, तो उसके लिए उन्होंने पाखड़ा शब्द का प्रयोग किया। और ऐसे ही उन्होंने जैसे जैसे शब्द का प्रयोग वो करते गए, उन्होंने जैसे कि यहाँ लिखा है कि पेट्रोल स्टेशन के लिए पेट्रोल भरवा को बम्बो, यानी राजस्थानी में कई चीजों का स्थानीय स्तर पर जो नाम लिया जाता है उसी तरह के शब्द उन्होंने रखे हैं। लेट के लिए कि लेट हो गया जैसे हम बोलते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि मौड़ हो गई, और जो देर से जो आता है कोई भी, उतरना के लिए उतराणो शब्द का प्रयोग किया है। ड्राइवर हंसा, उसके लिए उन्होंने लिखा है कि डलेवर मुलग्यो, मुड़ क्यों, तो हंसा के लिए हास्यो, इस तरह का शब्द हो गया। और दूसरा जैसे कि उन्होंने लिखा है कि सांस छोड़ी, न सांस फटकी या नसाणो, और चिड़ाना हड़कावा। अब हड़कावा चिड़ाना देखो उन्होंने उस सेंस में उसका प्रयोग दिया है कि हड़कावो, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि चिड़ाना एक दूसरी चीज है, हड़काना एक दूसरी चीज है। उसके लिए चढ़ावो भी शब्द चलता है राजस्थानी में। भूखना शब्द के लिए भसवा यूज किया या प्रयोग किया भसवा। तो ये जो भसवा शब्द है ये राजस्थानी के सारे क्षेत्र में नहीं चलता है, भूखनो शब्द सब जगह चलता है, कि कुत्ते का भूखना तो भूखनो बोलते राजस्थान में, न की जगह नए नए चलता है नए वाला। धुएं के लिए धुंधाड़ा शब्द का प्रयोग किया है और ये चलता है राजस्थानी में, लगभग सभी क्षेत्र में चलता है। भुनभुनाते हुए, भरनार यानी जैसे कोई गुस्सा हो जाता है तो भुनभुनाते हुए निकल जाएगा, तो राजस्थान के भरनार निकल गया। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। शिकायत की किसी की आपने शिकायत की यानी चुगली करी, उसके लिए पूगी शब्द का प्रयोग किया है। अब पूगी शब्द जो राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है या फिर दक्षिण का है ये शेखावटी में चलता है, लेकिन इधर पूर्वी क्षेत्र में ये वाला शब्द बहुत कम चलता है। दूसरा सरकंडे, सरकंडे के लिए बरू का प्रयोग किया है, और इधर में चीथड़ा के लिए लबूदरे का प्रयोग किया है, और टीले के लिए डौड़ का प्रयोग किया है, जबकि टीला और डौड़ दोनों अलग अलग चीजें हैं, कि डौड़ तो मेड को बोलते हैं राजस्थान में, और उन्होंने लिखा है टीले के लिए डौड़ का लिखा है, जबकि इसके लिए धोरा भी चलता है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की तरफ। क्षेत्र के लिए खूने शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। और ऐसे ही कोंच, कोंच जो होती है जैसे कि धोती बांधते हैं तो कोंच, उसके लिए लांग का प्रयोग किया है, लांग पूर्वी राजस्थान में अच्छे से चलता है। कब्र के लिए घोरिया शब्द का प्रयोग किया है, और इसी तरह से उन्होंने आगे लिखा है कि जैसे ज्वार, ज्वार शब्द के लिए चरी का प्रयोग किया है, और खाल खींच लूंगा इस तरह का एक शब्द है, खाल खींच लूंगा उसके लिए बोलते हैं कि चामड़ा उपाड़ लूंगा, अपाड़ लूंगा, यानी उस तरह का शब्द उन्होंने किया है। बड़ी बड़ी लौटी लौटी बात वो बोलते हैं। चेचक के लिए बड़ी माता, जो बड़ी माता वहां पर जाता
जिसको चेचक निकल जाती है, तो इस तरह से वो प्रयोग में करते हैं। और ऐसे ही बूंद के लिए टपका का प्रयोग किया, नीम के लिए लीमड़ा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, जबकि नीमड़ो शब्द भी चलता है। और कई बेवकूफियां, बावड़पणों, लू के, जिन जिन शब्दों का प्रयोग अनुवादक ने किया है अपनी स्थानीय बोली भाषा को ध्यान में रख करके, वो काफी अच्छा है। दूसरी बात यह है कि इसी तरह से जैसे शब्दों को लेकर के वो काम कर रहे थे, उसी तरह से उन्होंने कहान उपन सॉरी उन्होंने कहावतें और जो किस्सा गोई हैं, कहावतें हैं, लोकोक्ति हैं, उनको ध्यान में रख कर भी उसी तरह के शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। दूसरी बात कि जो अनुवादक हैं, अनुवादक ने भी वाक्य विन्यास का भी ध्यान रखा है। वाक्य विन्यास में जैसे होता है कि भाई वाक्य में कर्ता हो गया, कर्म हो गया, जितने भी कारक विभक्तियां हैं, क्योंकि राजस्थानी में होता है कि कारक विभक्ति कम ही प्रयोग में की जाती है, और इनमें उन्होंने फिर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखी हैं कि वो कर्ता का कोई चिन्ह इस तरह से राजस्थानी में कम ही देखने को मिलता है। फिर भी उन्होंने कर्ता में एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि बाबू चालबा की तैयारी में उबो हो गयो, यानी वो वहाँ बाबू शब्द का प्रयोग एक किलर के लिए कर रहा है कि आदमी के लिए कर रहा है कि वो चालने की तैयारी में हो गया। कर्म के लिए उन्होंने लिखा है कि मास्टर मोतीराम लड़का ने साइंस पढ़ा रचा, और करण कारक का उदाहरण उन्होंने दिया है कि रंगनाथ दूर सु टरक देखता था उतावड़े पग मेला। संप्रदान कारक का भी उन्होंने दिया है कि बारे चांदनी का अमाता हो गया छा। अपादान का दिया है सैरसु अवर एक टरक छूट्यो छे। अधिकरण का दिया इसी तरह से कि गांव और बाबू रामाधीन को एक जमाने घणो नाम छो, और बद्री दादा कठे छे कठी अब तू कसी कलम क्लास में पढ़ रहे रूपन। इस तरह के तमाम उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं। दूसरी बात यह था कि राग दरबारी में जो अनुवाद का विश्लेषण जो हम करते हैं उस तरह से, तो उसमें लोकोक्ति और मुहावरे के स्तर पर अगर देखें तो बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे उसने शिक्षा को लेकर के एक वाक्य लिखा था कि रास्ते में पड़ी हुई कुतिया को उन्होंने लिखा था, उससे राजस्थानी में जो अनुवाद उन्होंने किया है कि गैला की गंडकड़ी, कच्चा चबा जाने का उत्साह यानी नमटा देवा पे उतावला छे, धूप में बाल सफेद करना यानी तावड़ा में बाढ़ धोड़ा करवो, मुंह घोड़ा जैसा लटक जाता मुंडो घोड़ा नहीं लटक रो छो, झोला दबाए हुए शायरी करना ही थैला लटकाए मारूड़ा गारा छो। इस तरह के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग वो अपने उसमें करते हैं। अब दिक्कत यह है कि जो अनुवाद लेखक ने किया है उसमें इस तरह के शब्द भी प्रयोग में किए जा रहे हैं और पहले भी करते हुए आए हैं, और उन्होंने उपन्यास को वही सर्गों में बांट दिया है अलग अलग। और तरह के प्रयोग उन्होंने किए हैं, और राजस्थानी के ने जो जो वाक्यों को लेकर के और शब्दों को लेकर के जितना भी उन्होंने अनुवाद का काम किया है वो काफी अच्छा और महत्वपूर्ण भी है। और इस तरह से यानी राजस्थान की जो कहानियां हैं, वो जो कविताएं हैं, उनका भी हिंदी में या दूसरी भाषाओं में अनुवाद अगर होता रहे तो हम साहित्य को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरी भाषाओं में जो काम किया जा रहा है, कि चाहे हम तमिल की बात करें या फिर उड़िया की बात करें या फिर मलयालम की करें या तेलुगु की करें, किसी भी भाषा की हम बात करें, तो वो चीजें यहाँ तक लोगों तक कैसे पहुँचाई जाए, यानी कहानियों को लेकर के, कविताओं को लेकर के, लोकोक्तियों को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के हम उस तरह का अनुवाद का काम उसमें कर सकते हैं। अब देखने में तो यह है कि अनुवाद को लेकर के और सरकारी तौर पर भी पहल करने के विचार सुनने में आ रहा है कि सरकार भी चाह रही है कि इस तरह का काम हो अनुवाद का, लेकिन अब हमें भी आगे आना चाहिए कि लोगों को कि हम कितना उसमें योगदान दे सकते हैं, क्योंकि अनुवाद का काम इतना आसान नहीं है और उसमें समय तो देना ही पड़ेगा। दूसरा
जो हम अनुवाद कर रहे हैं कि क्षेत्रीय बोलियों को प्रमोट कर रहे हैं, यानी हम अपनी भाषा को कितना मजबूत बना सकते हैं, कि भाषा और बोली को मजबूत बनाने के लिए हमको आगे तो आना ही होगा। और इसके लिए ये है कि हम रचनाएं भी करते रहें और आगे भी हम बढ़ते रहें, और इसके अलावा हम अनुवाद पर भी सरकार को भी अनुवाद पर भी काम करें। सरकार को भी ये करना चाहिए कि जो चीजें दी जा रही हैं, यानी जो चीजें नई आ रही हैं समझ में, या नई चीजें जो प्रमोट की जा रही हैं, उनको लेकर के हम कितने लालायित हैं। दूसरा कि जगह जगह राजस्थान में भी ऐसा नहीं हो कि क्षेत्रवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्षेत्र के हिसाब से ऐसा नहीं कि राजस्थानी की अगर हम बात करें तो केवल मारवाड़ी की बात करें, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कि उसमें क्षेत्रवाद चलने शुरू हो जाता है कि जो मेवाती वाले हैं वो मेवात की तरफ खींचते हैं, और जो हाड़ौती वाले हैं वो हाड़ौती की तरफ खींचेंगे, शेखावटी वाले उधर खींचेंगे। यानी इस तरह की राजनीति साहित्य के अंदर अगर रहेगी तो हम अपनी भाषा को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि जितने भी युवा लेखक हैं, या फिर जो कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, जो लिखने की सोच रहे हैं, तो उन सबको भी प्रमोट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि नई पीढ़ी को अगर हम सही दिशा देंगे तो शायद हमें लगता है कि और अच्छा साहित्य निकल करके सामने आएगा। और इसके लिए सरकारी तौर पर भी पहल होनी चाहिए कि हर एक क्षेत्र के हिसाब से साहित्य की अकादमियां भी बनाई जाए और अनुवाद का काम भी किया जाए, उसमें रोजगार के अवसर भी लोगों को मिले और काम करने का भी अवसर मिले, कि चीजों को दबाया ना जाए, जो चीज है वो बिना किसी निष्पक्षता के काम किया जाए, कि चाहे हम लोगों को प्रमोट करने के लिए, महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, या फिर जो वंचित वर्ग है उसको प्रमोट करने के लिए साहित्य के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भी हम उनको प्रमोट करें, तो उससे एक नए और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। निश्चित तौर पर ये हिंदी के लिए भी अच्छा है, राजस्थानी के लिए भी अच्छा है, और देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर सब जगह हम अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो फिर दिक्कतें खड़ी होंगी, सभी के लिए समस्याएं तो पैदा होंगी ही। और आज जो विषय रखा है उस पर मैंने जितना बोला है उसमें कोई गुस्ताखी है तो क्षमा चाहता हूँ, और आज का कार्यक्रम यहीं तक चले। जय हिंद, जय भारत।